अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप देख रहे होंगे कि किसी मैं बड़ी यूनिक सी गाड़ी में हूँ, तो चले आए आपको ये गाड़ी दिखाते हैं। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में आपने इससे पहले कभी इस तरह की वैन नहीं देखी होगी और ना इसकी वीडियो आपने कहीं देखी होगी। तो चले आए मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ। एक नॉर्मल जो स्प्रिंटर वैन होता है वो है, इसमें जो एक्सटर्नल में आपको चीज एक डिफरेंट देखने को मिलेगी वो इसके बीएफ गुडरिच के टायर हैं। ये इसके बेसिकली ऑफ रोडिंग वाले टायर हैं। इसकी सस्पेंशन भी जो है वो अपग्रेड हुई है ऑफ रोडिंग के लिए। और बाकी ये फुटस्टेप देखें आप, ये फुटस्टेप भी जो है इसके काफ़ी हाई लगे हुए, हाई क्वालिटी के लगे हुए हैं। और ये बेसिकली पूरी गाड़ी जो है ना ये ऑफ रोडिंग के लिए तैयार हुई है, क्योंकि जो इसके ओनर हैं वो उन्हें बाइक्स का बहुत शौक है। और इस गाड़ी में मैं आपको एक सरप्राइजिंग चीज़ ये भी दिखाऊंगा कि उनके जो बाइक्स हैं उसकी भी स्पेशल जगह जो है वो इस गाड़ी में के ट्रंक में बनी हुई है। इनके दो जो टूरिंग बाइक्स हैं वो इस गाड़ी में आराम से आ जाते हैं। उसके बाद इसका इंटीरियर आपको जो असल है व्यू वो भी आपको देते हैं। तो आए पहले अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम आपको इसकी चीज़ दिखाते हैं कि इसकी ये जो फ्रंट वाली सीट्स हैं, ठीक है, ये इसकी ये जो दोनों सीट्स हैं इसकी फ्रंट वाली, ये 360 सीट्स हैं। इन दोनों का मुंह जो है वो इस साइड पे हो जाता है। ये इसमें एक टेबल लगा हुआ है कि अगर आप फर्स्ट करें कुकिंग कर रहे हैं, आपने कोई चीज़ रखनी है, आप इस टेबल को सीधा करके इसके ऊपर आप चीज़ रख सकते हैं। या फिर आपने अगर खाना खाना है, आपका फ्रंट जो सीट है वो 360 रोटेट करेगी, आप इसके ऊपर खाना भी खा सकते हैं। अगर आपने कोई छोटा बच्चा बिठाना है वो भी ये उठा लेता है, बहुत मजबूत चीज़ है। उसके बाद अगर हम आगे आएँ तो ये जो इसका सारा कुकिंग स्टेशन है, इसमें ये हमारे पास इसका जो है वो सिंक आ जाता है, आपने को बर्तन वगैरह धोने हैं कोई भी चीज़ है, ठीक है। पानी इसके अंदर है, इसके अंदर बेसिकली जो फ्रेश वाटर है उसकी कैपेसिटी है 130 लीटर्स, और जो इसका वेस्ट वाटर है वो 60 लीटर्स की इसमें कैपेसिटी है। उसके बाद हमारे पास इसका चूल्हा आ जाता है। ये इसका चूल्हा जो है ये टोटल LPG पे चलता है, और LPG जो है वो 40 kg, इसके दो टैंक्स हैं, 20-20 kg का एक टैंक है, तो 40 kg LPG ये जो है होल्ड कर सकता है, जो कि मेरे ख्याल से एक छोटे ट्रिप के लिए जो पर्स के 2 या 3 हफ्ते का ट्रिप है उसमें काफ़ी हो जाता है। उसके बाद अगर हम दूसरी साइड पे आए तो दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि ये बेसिकली टेबल है, ये टेबल उतर के तो ये ऊपर स्टोरेज स्पेस में भी चला जाता है। ये आप देख रहे होंगे कि ऊपर स्टोरेज स्पेस बनी हुई है, इसमें जो है ये वाला टेबल चला जाता है। जो इसकी सीट्स हैं, ठीक है, ये सीट्स जो हैं इसकी ये लंबी हो जाती हैं। इसमें टोटल जो लोगों के सोने की कैपेसिटी है वो 5 लोग इसमें सो सकते हैं। एक आदमी जो है वो इधर सो सकता है, ये सीट स्ट्रेट होके इसके ऊपर मैट्रेस लगता है और एक बंदा सो जाता है। इसमें जो है वो 340 वॉट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है, और इसमें अल्टरनेटर लगा हुआ है। बेसिकली अल्टरनेटर के साथ लगी हुई है 2 बैटरीज। सोलर जो है वो जब गाड़ी अगर खड़ी हुई है तो सोलर उन बैटरीज को चार्ज करेगा और वो बैटरी पूरे मोटर होम को जो है वो पावर देगी। और अगर ये गाड़ी चल रही है तो फिर इसका जो फ्यूल का सिस्टम है वो जो है वो इसके अल्टरनेटर को साथ जो है पावर देगा, और ये बैटरीज इसकी चार्ज होंगी और बैटरीज जो है वो इसका पूरा पावर सिस्टम चलाती हैं। उसके बाद हम आगे आए तो ये इसका जो है वो वॉशरूम है, इसका वॉशरूम का टॉयलेट है, और टॉयलेट के साथ ये जो है ये इसका जो है शावर लगा हुआ है, ठीक है। और इसका जो है वॉशरूम का सिस्टम ये बड़ा इंटेलिजेंट है। इसके पीछे जो है वो 25 kg का वेस्ट टैंक लगा हुआ है, जिसका बाहर से आउटलेट है, इसके पीछे से आप उठाएं और जाके कहीं भी वेस्ट कर दें। बड़ा नीट एंड क्लीन सा सिस्टम है इसका सारा। और उसके बाद ये इस साइड पे जो है ये इनकी अलमारी है जिसे आप कपड़े लटकाए जा सकते हैं। ये नीचे जो है इसका फ्रिज है, ये इसका फ्रिज है, ठीक है, ये आप फ्रिज देख सकते हैं। और फ्रिज के बाद अगर हम आगे आए, ऊपर बेड है, ठीक है, और इस बेड के ऊपर जो है 2 बंदे आराम से सो सकते हैं। लेट से कि अगर आपने बाइक्स रखनी है तो ये बेड जो है ये ऊपर वाली साइड पे उठ जाएगा, ये बेड ऊपर आ जाएगा। ये नीचे वाली जो स्टोरेज स्पेस आपको नजर आ रही है, ये वाली मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ, ये वाली जो स्टोरेज स्पेस है इसमें आपके 2 टूरिंग बाइक्स आराम से आ जाते हैं, कोई मसला ही नहीं है। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार 3 जो है वो बंदे सो गए तो 2 बंदे और किधर सोएंगे, तो थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि 2 बंदे और किधर सोएंगे। ये इसमें LCD स्क्रीन है, ठीक है, कोई भी आपने अगर फर्स्ट कहीं कैमराज लगाने हैं रात के लिए सिक्योरिटी वगैरह, इसके 360 कैमराज हैं। अगर रात को गाड़ी खड़ी हुई है हर तरफ से कैमरा लगे हुए हैं, हर तरफ से रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें सिक्योरिटी वैसे बहुत सेफ है। और उसमें ये वाली LCD भी लगी हुई है और ये वाली LCD भी लगी हुई है, ये दोनों जो है बेसिकली कैमराज के लिए लगी हुई है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बाकी 2 लोग हैं वो किधर सोते हैं। ये इसका ऊपर से खुल जाता है छत, ठीक है, छत खुल के तो ये आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं कि ये देख लें 360 मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे 2 बंदे आराम से सो सकते हैं, रात को कोई मसला नहीं होता है, ये नेट लगा हुआ है, कोई जिस तरह आजकल डेंगू का इशू है या कोई आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं, कोई मच्छर वगैरह इसके अंदर नहीं आता है। और लेट से कि आप रात को सोए हुए हैं और कोई बारिश वगैरह हो जाती है तो उसमें ये वाली जो चीज़ है
ठीक है, ये नीचे होगी, ये जिप अप होगा, आपका टोटल वाटरप्रूफ बन जाता है और आप सुकून से इसके अंदर जो है वो। तो ये नॉर्मल बाकी फ्रंट से आप देखेंगे तो ये नॉर्मल स्प्रिंटर वैन है, वो भी मर्सिडीज है। इसमें ये टेलीफोन के कंट्रोल है इस साइड पे इसके, ये इसका डिस्प्ले है अंदर का, और ये इसका आप दिखाएं, ये जिस तरह टिपिकल मर्सिडीज में लाइट्स के ऑप्शन होते हैं, इसकी लाइट्स वगैरह ऑन ऑफ यहीं से होती हैं। और ये इसका, ये मैनुअल गाड़ी है, 6-speed मैनुअल में है। आप ये देख सकते हैं कि ये इसके 6 फ्रंट गियर्स हैं और ये एक इसका रिवर्स है। उसके बाद ये इसके क्लाइमेट कंट्रोल्स का फंक्शन है, ये इसकी जनरल स्टॉक जो आती है LCD वही है। मैं आपको बताता चलूं कि ये गाड़ी 2017 मॉडल है स्प्रिंटर जो है, तो बाकी आगे से तो बिल्कुल स्टॉक है जिस तरह की एक नॉर्मल स्प्रिंटर होती है। तो अच्छा यार, तो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से इस इंटरव्यू की जो ऑडियो है वो हमसे चल नहीं पाई, और माजिद भाई की जो इस गाड़ी के ओनर हैं उनकी मसरूफियत की वजह से हम उनसे दोबारा इंटरव्यू नहीं ले पाए, इसलिए हम जो है वो वॉइस ओवर ही करेंगे। तो मैं माजिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया कि हम डिटेल रिव्यू बना सकें उनकी कैंपर वैन का, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें ब्रीफ किया। इसकी जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ या इसकी जो भी चीज़ मैं दिखाया था बेसिकली वो माजिद भाई ने मुझे बताई थी। तो ये मेरे शहर मीरपुर के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मीरपुर का कोई आदमी इस तरह बाय रोड बाहर से कैंपर वैन में आया, और ये वन ऑफ वन है इस वक्त पाकिस्तान में इन ऑप्शन के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा वीडियो।